हाय फ्रेंड, मैं आफ्ताब आलम और अभी आप देख रहे हैं ER कॉन्सेप्ट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम खास तौर से डिस्कस करेंगे DELED सेकेंड ईयर का S3 पेपर है, कार्य और शिक्षा। तो इसके नोट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। इस सब्जेक्ट की इकाई 1 है, कार्य और शिक्षा अवधारणात्मक समझ, यानी वर्क और एजुकेशन का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्य और शिक्षा की अवधारणा तथा इसके ऐतिहासिक संदर्भों की विवेचना करें। तो कार्य और शिक्षा का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। हम शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं कि अपने काम को परफेक्शन के साथ बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से कर सकें। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के बारे में कहा गया था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। यानी कि जो भी परफेक्शन हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसी को बाहर ले आना क्या है, शिक्षा है। यानी हमारे इंटरनल को एक्सटर्नल बना लेना क्या है, शिक्षा है। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि मन, मस्तिष्क और आत्मा के विकास को ही हम क्या कहेंगे, शिक्षा है। या मनुष्य का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात गांधी जी ने की थी कि हर तरह का विकास, चाहे वो मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, तो हर तरह के विकास को ही हम शिक्षा कहेंगे। अगर रूसो की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से प्लांट्स को हम कल्टीवेशन के द्वारा जो है बड़ा करते हैं, यानी प्लांट्स इज़ डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन इज़ डेवलप्ड बाय एजुकेशन, तो उसी तरह से जो है मानव जो है शिक्षा के द्वारा उसको बड़ा किया जा सकता है। तो अब जो भी चीज़ें हम शिक्षा में जो है हासिल करते हैं, उसी अनुभव का इस्तेमाल हम किसी भी तरह के काम को करने के लिए करते हैं। जिस फील्ड में हम जाते हैं जॉब के लिए, वहाँ पे उस तरह के काम को करते हैं। तो कार्य जो है एक तरीके से क्या है, क्रियाओं, मतलब कि फिजिकल वर्क है, यानी कि साइकोमोटर जो एबिलिटी है उसके थ्रू हम अपने हाथ के थ्रू, पैर के थ्रू जो है किसी भी एक्टिविटी को करते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जो चीज़ें हम थ्योरेटिकल तौर पर सीखते हैं उसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि कार्य कहते हैं। यानी कि कार्य जो है मानव जीवन को समृद्ध करने वाली गतिविधियां हैं। लेकिन इस सबसे अहम बात यह है कि कार्य बालक के लिए सीखने का महत्वपूर्ण जरिया है। बच्चे कार्य के द्वारा अपनी एक पहचान बनाते हैं और स्वयं को उपयोगी और महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि कार्य उनको अर्थवान, यानी कि उनको एक मीनिंगफुल पर्सन बनाता है और ज्ञान के निर्माण में भी वह सक्षम हो पाते हैं। तो कार्य जो है कुछ पाने योग्य लक्ष्य होते हैं, जिसे पूरा करने के दौरान सामाजिक आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रणता की भावना का विकास होता है। तो ये सब बातें बताई गई। कार्य और शिक्षा की अवधारणा जो है कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इसके ऐतिहासिक संदर्भों को बुनियादी शिक्षा की मान्यताओं में देखा जा सकता है। यहाँ पे गांधी जी के बेसिक एजुकेशन की बात की गई कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उसको कोई स्किल भी सिखा दिया जाए, काम करना भी सिखा दिया जाए, जैसे अगरबत्ती बनाना, माचिस की डिबिया बनाना, अचार बनाना, इस तरह के बहुत से वर्क के बारे में गांधी जी ने कहा था कि इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों से करवाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो है एक जो इकोनॉमिकल जो दिक्कतें आती हैं, उनको पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, उनको कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है और बच्चा को पढ़ने में भी क्या होगा, मन लगेगा, कुछ पैसे भी वो कमा लेगा। तो इस तरह की चीज़ें गांधी जी ने बताई थी बुनियादी शिक्षा में। कार्य करके क्या है, अनुभव प्राप्त करना, पेड़ पौधों को देखने की शिक्षा देने वाला विषय, कृषि संबंधित ज्ञान प्रदान करने वाला विषय, खाना बनाने के विचार प्रदान करने हेतु चुना गया विषय। तो इस तरह से जो है अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें कार्य और शिक्षा की, तो 1986 के पूर्व कार्य अनुभव शिक्षा को यहाँ पे जो है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के नाम से जाना जाता था। NPE यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बाद इसको जो है वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव के नाम से जाना जाने लगा। पूर्व में इसको कृषि कार्य, ग्रेडनिंग यानी खाने पीने की व्यवस्था करने वाला विषय के रूप में जाना जाता था। इतिहास की बात कर रहे हैं हम, वर्क और एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इसके इतिहास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो वर्क और एजुकेशन है इसकी मूल भावना यही कि सामाजिक रूप से उपयोगी होना, किस तरह से हम समाज में एक उपयोगी पर्सन बन पाए, किस तरह से समाज में जो है हम निकम्मे नहीं बैठे रहें, किस तरह से समाज में जो है हम कुछ करके जो है अपने
अपना भी डेवलपमेंट करे, साथ साथ जो समाज का विकास करे और साथ ही साथ जो है अपने देश का भी विकास करे। तो ये एक है कि आपको कोई भी काम करना है, चाहे मछली पालने का काम हो, चाहे कृषि का काम हो, चाहे आपको जो है इंजीनियरिंग का वर्क हो, चाहे आप मैकेनिक्स का वर्क हो, लॉट्स ऑफ वर्क है, तो किस तरह से उस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं, ये बातें बताई गई है। तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने पुनः कार्य अनुभव का गुणगान करना आरंभ कर दिया है। एनसीईआरटी ने कार्य अनुभव को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाने की बात कही गई कि किस तरह से बच्चों के अंदर इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो पाए कि वो पढ़ने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद वो खाली ना बैठे रहे, कुछ अपना व्यवसाय कर सके, अपना जो है कुछ उसके अंदर हुनर आ जाए, कुछ स्किल आ जाए जिससे वो घर बैठे बैठे भी पैसे कमा सके। तो इस तरह की चीज़ें जो है मतलब एनसीईआरटी के द्वारा बताई गई है। अब हम बात करें बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर की अवधारणा क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो बाल श्रम बाल उत्पीड़न का एक प्रकार है, यानी कि परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को क्या करते हैं कि कम उम्र में, 14 साल से भी कम उम्र में उन्हें काम करने के लिए भेज देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निदेशक ने बाल श्रम मजदूरों को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये वे कुछ नहीं है जो दिन के कुछ घंटे खेल और अध्याय से निकलकर जेब खर्च के लिए काम करते हैं। ये वे बच्चे हैं जो वयस्कों की जिंदगी जो है व्यतीत करने को मजबूर हो जाते हैं, यानी 10 से लेकर 18 घंटे तक वो काम करते हैं, और जो वो काम करते हैं उसका वेतन भी उन्हें उस तरह से नहीं मिलता है, उनको जो है बुनियादी शिक्षा से महरूम कर दिया जाता है, उनको खेल से वंचित कर दिया जाता है, और कभी कभी उनको परिवार से अलग होकर भी रहना पड़ता है। तो इसको हम चाइल्ड लेबर कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 30 करोड़ बच्चों में से करीब करीब जो है 4.44 करोड़ बाल श्रमिक के रूप में विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं। देश का प्रत्येक सातवां बच्चा जो है बाल श्रमिक है। एक दुखद पटल यह है कि हमारे देश में दुनिया के सबसे अधिक बच्चे अनाथ हैं, यानी कि 11.5 लाख अमान्य बच्चे जन्म लेते हैं हर साल, जिसमें से अधिकांशतः 5 से 6 वर्षों के बाद जो है वो चाइल्ड लेबर बना दिए जाते हैं। तो ये सब बातें बताई गई हैं। बाल श्रमिक शोषित जोखिमपूर्ण कार्य परिस्थितियों में असुरक्षित तथा कम वेतन में अधिक काज का जीवन व्यतीत करते हैं। ये वे बच्चे हैं जो बाल्यावस्था का को उनको पता ही नहीं होता कि बाल्यावस्था क्या है, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। हमारे संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं वो दिया गया है कि कोई भी बालक जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं रखा जाएगा। यह अनुच्छेद 24 की बात की गई है। अनुच्छेद 39F की बात है कि बाल्यावस्था तथा युवावस्था को शोषण तथा नैतिक व भौतिक दुर्व्यसनों से सुरक्षित रखा जाएगा। राज्यों को यह प्रयत्न करना होगा कि 14 वर्ष तक के, हमारे संविधान में बाल श्रम के बारे में जो बातें कही गई हैं वो ये है कि कोई भी बालक जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं रखा जाएगा। ये अनुच्छेद 24 में ये बातें कही गई है। अनुच्छेद 39F में कहा गया है कि बाल्यावस्था तथा युवावस्था को शोषण तथा नैतिक व भौतिक दुर्व्यसनों से सुरक्षित रखा जाएगा। राज्यों को यह प्रयत्न करना होगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, यानी 14 साल के बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। भारत जैसे देश में 40% आबादी अत्यधिक क्या है, निर्धन है, वो पुअर है, पॉवर्टी की जीवन जी रहे हैं, वहाँ बाल श्रम एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। बच्चों में अपराध बोध की भावना को दबाने का तर्क देते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को रोजगार परक बनाने से भुखमरी की स्थिति को दूर किया जा सकता है। नौकरशाहों का विचार है कि बाल श्रम का पूर्णतः उन्मूलन अव्यवहारिक है क्योंकि सरकार ने उनके लिए कोई ठोस विकल्प नहीं बनाए। कहीं ना कहीं बच्चों की किस तरह से एजुकेशन दिया जाए, किस तरह से बच्चों को आर्थिक तौर से सहयोग दिया जाए, सरकार ने उस तरह का कोई ठोस विकल्प नहीं बनाया है। समाज वैज्ञानिकों का मत है कि बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है, मतलब पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो एक इम्पोर्टेंट काउज है चाइल्ड लेबर का। ऐसी स्थिति में बच्चे पारिवारिक आय में वृद्धि करते हैं या वे अपने परिवार में आय, परिवार का जो है एकमात्र स्रोत बन जाते हैं आय का।
तो बाल श्रम का एक अन्य कारण सस्ते श्रम की उपलब्धता है। बाल श्रम का एक अस्तित्व इसलिए भी है कि इससे उद्योगों को लाभ मिलता है। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग में 1990 में 75,000 बच्चे बाल मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, जिन्होंने 300 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की। यानी बच्चे काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उन्हें पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो इससे क्या होता है कि व्यापार को फ़ायदा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उस तरह का कोई ठोस विकल्प नहीं बनाया है जिससे बाल श्रम को ख़त्म किया जा सकता है। सरकार सिर्फ कहती है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, लेकिन उसके लिए कोई ठोस जो है मतलब वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थों को स्पष्ट करें तथा कार्य शिक्षा में अंतर्निहित कार्यों की विवेचना करें। तो कार्य शिक्षा के बारे में बहुत चीज़ें बातें हमने आपको बताई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इनको। कार्य शिक्षा का मतलब दिया गया है कि हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करती है, भौतिक क्रियाओं में अंतर्निहित समाज उपयोगी शारीरिक श्रम है। कार्य शिक्षा क्या है उसके बारे में बताया गया है। कार्य शिक्षा में अंतर्निहित कार्य कौन कौन से कार्य हैं अंतर्निहित, तो ये बताया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि घर के प्रतिवेश की साफ सफाई से आप क्या समझते हैं। घर के प्रतिवेश को स्वच्छ या स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी बातें आपको पता ही होगी कि किस तरह से आप अपने आसपास के वातावरण को साफ रह सकते हैं, किस तरह से जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है कूड़ा करकट है उसको किस तरह से अलग रख सकते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद जो है डस्टबिन का यूज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ मतलब कि उपाय है जिसके थ्रू जो है आप अपने घर के आसपास को स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से जो है आप कूड़े करकट को जो है नज़दीक के सड़क पे ना फेंक करके डस्टबिन में डालेंगे, आप जो है आसपास का जो है गंदा जल जमा नहीं होने देंगे अपने आसपास में, यदि गंदे जल में मच्छर अंडे देते हैं तो इससे मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपके घर के अगल बगल में किसी भी तरह का कोई भी गंदा पानी जमा ना हो पाए। घर के भीतर या बाहर कूड़ा करकट रखने का बर्तन ढककर होना चाहिए। घर में जूठन साग सब्जियों के छिलके आदि को उसी में डालना चाहिए। घर के गंदे जल को ले जाने वाली नालियाँ ढकी हो उसे रोज या बीच बीच में फिनाइल जल से साफ़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने अगल बगल की चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। शौचालय जो है मतलब उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से शौचालय को साफ़ सुथरा रखना है, तो ये सारी बातें बताई गई हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि अगल बगल का जो है माहौल जो है उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो, साफ़ सुथरी हवा जो है आपको मिल सके, तो ये काम कर सकते हैं। फूलों का पेड़ लगाएं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, घरेलू बजट बनाने के सिद्धांत, बजट को की विशेषताएँ तथा भविष्य के लिए बचत पर प्रकाश डालें। तो किस तरह से आपकी जो इनकम है और किस तरह से आप एक्सपेंडिचर करेंगे, किस तरह से बजट बनाएंगे, अगर आपको घर का मालिक बना दिया जाए तो किस तरह से आप एक बजट तैयार करेंगे कि अपने घर को बेहतर तरीके से चला सके, साथ ही साथ जो है आप कुछ पैसे को जमा करके रख पाए, सेव कर पाए, तो उसका किस तरह से आप बजट बनाइएगा वो दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बजट बनाते समय जो है बचत का ध्यान रखना ज़रूरी है। विभिन्न आवश्यकताओं पर व्यय का हिसाब इस तरह रखना चाहिए कि आकस्मिक व्यय के लिए जो है मतलब कम से कम आमदनी का 10% बचाया जा सके। तो ये सारी बातें बताई गई हैं, किस तरह से कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, भविष्य के लिए क्या करना है, इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड, इस दोनों के बीच मतलब किस तरह से आपको तालमेल बिठाना है उसके बारे में बताया गया है, भविष्य के लिए बचत। अगला क्वेश्चन है मिट्टी का काम, यानी मिट्टी के बर्तन, खिलौने, गमले आदि बनाने में कला, मिट्टी के चयन एवं विधि पर प्रकाश डालें। तो किस तरह से आप मिट्टी के जरिए जो है मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं, गमला बना सकते हैं, सजावटी जो है मतलब मिट्टी के थ्रू जो है आप सजावटी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये सारी बातें बताई गई हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इनको। आपको जो है मतलब कुछ भी बनाने से पहले मिट्टी का चयन करना होगा कि किस तरह की मिट्टी है, उसे क्या क्या बनाया जा सकता है। पोटर व्हील, कटोरा, प्लेट्स, फूलदानों या वे वस्तुएं जिनके आकार को समरूपता और गोलाई चाहिए के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हाथ की चुटकी से कैसे बनाएंगे आप वस्तु मिट्टी से, कुंडलीकरण क्या होता है वो बताया गया है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल तथा नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा का प्रबंधन। तो किस तरह से आप बायोडिग्रेडेबल कूड़ा का प्रबंधन करेंगे, किस तरह से आप नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा का प्रबंधन करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का जो है बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है इन्वायरमेंट है वो दूषित हो रहा है। तो उससे किस तरह से बचाया जा सके, उसके लिए हमें कचरा का प्रबंधन करना होगा, ये बातें बताई गई हैं। कचरा प्रबंधन इस दिशा में उठाया गया बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। किस तरह से जो है हम रिसाइकलिंग करेंगे, ये सब सारी बातें बताई गई हैं। एल्युमिनियम, तांबा, स्टील, कांच, कागज़ और कई प्रकार के प्लास्टिकों की रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है, तो इन सबको जो हम अलग करेंगे। बायोडिग्रेडेबल को अलग डब्बे में रखेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग डब्बे में रखेंगे। तो ये सारी बातें बताई गई किस तरह से जो है हम कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य पालन की समझ पर प्रकाश डाले, यानी पशुपालन से रिलेटेड है कि आप मछली पालन किस तरह से कर सकते हैं। तो मछली क्या है, एक जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है। जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर हम क्या करते हैं कि मछली पालते हैं तो हमें पोखर को या नदियों को साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा, वहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रीज़ वगैरह से जो कूड़े करकट जाते हैं वो ना जा पाए, इस तरह से जो है केमिकल्स वगैरह जो है वो पानी के अंदर ना जा पाए, इस सब का ख्याल रखना है। तो किस तरह से जो है आप मछली पालन कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। एज ए जो है एक तरीके से उद्योग के तौर पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मछली पालन का। निर्धन से निर्धन व्यक्ति जो है मछली पालन करके जो है एक परिवर्तन ला सकते हैं समाज में, ये बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दुग्ध उद्योग की समझ पे विस्तृत प्रकाश डालें। तो यहाँ पे डेयरी उद्योग जो है पशुपालन से जुड़ा एक बहुत ही लोकप्रिय उद्योग है, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आमतौर से गाय, भैंस, बकरियों या अन्य प्रकार के पशु को क्या करते हैं, बेच देते हैं, उनको मांस के लिए बेच देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि उनको एज ए डेयरी फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, उसको उसकी को रखना चाहिए, उससे दूध उत्पाद जो होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके थ्रू जो है कहीं ना कहीं जो दुग्ध उत्पादन है इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या उसमें मैक्सिमम लोग जो है ग्रामीण ही है, और लगभग सब कृषि पर भी क्या करते हैं, वो 60% लोग जो है कृषि व्यवसाय से जुड़े होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है इस तरह के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आपको डेयरी फॉर्म एस्टेब्लिश करना है, किस तरह से जो है दूध का जो है भंडारण करना है, किस तरह से उसे एक जगह से मतलब जमा करके फिर परिवहन के द्वारा जो है उसे अलग अलग जगहों पे पहुंचाना है, यानी एक तरीके से बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो ये बातें बताई गई हैं, आप यहाँ से जो है नोट कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है DLED का, जितनी भी सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में पूछा जाएगा S3 पेपर में, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोक नाट्य, पारंपरिक नाट्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके विभिन्न रूपों की विवेचना करें। तो लोक नाट्य क्या है, तो नाट्य शैली जो है भारत की प्राचीनतम शैलियों में से एक है। भारतीय नाट्य शैली का
इतिहास प्राचीन वैदिक काल से शुरू होकर शास्त्रीय नाट्य परंपरा से गुजरते हुए आधुनिक नाट्य शैली, खासतौर पर पारसी, मराठी, बंगाल और हिंदी नाट्य शैली पर भी प्रभाव डालता है। तो ये नाट्य शैली के बारे में बताया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। रम्मत क्या है? रम्मत का अर्थ है खेल खेलना। रम्मत मूल रूप से एक अनुष्ठानिक संपूर्ण लोक नाट्य का रूप है। इसमें भाग लेने वाले कलाकार अपने प्रदर्शन को खेल नहीं कहते, वे इसे माता जी का घुंघरा बंधिया कहते हैं। तो ये रम्मत क्या है वो बताया गया है। तुर्रा कलंगी, राजस्थान में राज महाराजाओं यानी राजा महाराजाओं की पगड़ी के बीच में तुर्रा, सामने व लाठ के ऊपर कलंगी लगाने की परंपरा रही है। तो ये भी एक तरीके से तुर्रा कलंगी संप्रदाय के दो महान संतों की विद्वानता से प्रभावित होकर चंदेरी के राजा ने उन्हें तुर्रा और कलंगी प्रदान किया था। इसी भेंट के बाद ये दोनों संप्रदाय कुल्ला और तुर्रा और कलंगी संप्रदाय कहलाने लगे। इसमें मैदान से 10 से 20 फीट ऊंचा मंच बनाया जाता है जिसे शीश महल कहते हैं। इनकी धुनें और लावानियाँ बहुत मधुर होती है। अभिनय के अलग अलग मुद्राएँ, नृत्य की अदायगी एवं संगीत के स्वर इन्हें मंच पर एक सुंदर प्रस्तुति के रूप में जीवंत कर देते हैं। ख्याल क्या है? कल्पना करना। ख्याल की उत्पत्ति खेल शब्द से होती है। इस लोक नाट्य में लोक जीवन में प्रसिद्ध किसी एक चरित्र के जीवन की गाथा को व्यतीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में विभिन्न लोक कलाओं एवं शिल्प की एक सूची बनाइए तथा इससे जुड़े कलाकारों के वर्तमान अवस्था और इसके कारण पर प्रकाश डालें। साथ ही साथ यह बताएं कि इन कलाओं के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए। तो लोक के कला क्या है? बिहार में लोक कला की समृद्ध परंपरा रही है। मौर्य तथा गुप्त शासन में बिहार प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। इसके अतिरिक्त बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों का प्रसिद्ध स्थल भी बिहार रहा है। अतः स्वाभाविक है कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत काफ़ी समृद्ध है। यहाँ की लोक संस्कृति और लोक व्यवहार के खाद पानी पाकर लोक संस्कृति का चहुमुखी विकास बिहार में होता है। मधुबनी या मिथिला चित्रकला, तो इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं, गंगा देवी, सीता देवी, सरस्वती देवी हैं, यशोदा देवी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। चटोपटिया चित्रकला, थंका चित्रकला, मंजूसा चित्रकला, पटना कलम या पटना शैली, तो ये दिया गया। इससे जुड़े व्यक्ति हैं देसो बीवी और सोना कुमारी, सेवक राम, हुलास लाल, कन्हैया लाल, ये सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश की पारंपरिक सजावटी लोक कलाओं में रंगोली का प्रयोग किन किन त्यौहार में किया जाता है। तो कौन कौन से त्यौहार में जो है रंगोली का सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू उत्सवों के दौरान आंगन में जो है रंगोली बनाई जाती है। राजस्थान में मंदाना, बंगाल में अल्पना आदि रंगोली जो है सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये सब बातें बताई गई हैं। रंगोली की सामग्रियाँ राज्यवार अलग होती हैं। कुछ प्रयोग हैं, सूखे चावल या आटा जिसमें हल्दी या प्राकृतिक रंग मिलाए जाते हैं, फूल, गुलाब या गेंदे की पंखुड़ियों की सतह पर आकृति प्रदान करना, मतलब इन सब टूल्स के जरिए या कह सकते हैं कि इन सब मटेरियल्स के जरिए जो है रंगोली बनाई जाती है। अगला है, कठपुतली कला से आप क्या समझते हैं, इसके निर्माण प्रकार एवं महत्व को बताइए। तो कठपुतली नृत्य कला में सबसे अधिक मतलब कि ये नृत्य कला बहुत ही प्राचीन है। शायद जब नाटक का आरंभ हुआ था उस समय से ही कठपुतली नृत्य व्यवहार में प्रचलित है। कठपुतली कला न केवल भारत की ही कला है, आपत्ति विदेशों में भी विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों का प्रदर्शन किया जाता है और वर्तमान में भी किया जा रहा है। कनाडा, कोरिया, वियतनाम, ताशकंद, जर्मनी, इंडोनेशिया आदि देशों में कठपुतलियों के नृत्य करवाए जाते हैं और आज भी अच्छी प्रतियोगिताओं में कठपुतलियाँ भाग लेती है। कठपुतली निर्माण की विधि, कैसे कठपुतली का निर्माण किया जा सकता है, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कठपुतली कला का महत्व, तो कठपुतली कला का बड़ा महत्व है। कठपुतली के माध्यम से कठपुतली कलाकार केवल मनोरंजन ही नहीं करते हैं बल्कि वे इनके माध्यम से लोक कथाओं को प्रकट करते हैं। पौराणिक कथाओं में जैसे रामायण, महाभारत, बाबा रामदेव, तेजस जी आदि की कथाओं का चित्रण करते हैं। कठपुतली के माध्यम से प्राचीन समय की लोक कथाएं एवं वेशभूषा का भी ज्ञान होता है।
भारत के कई कलाकार विदेशों में भी कठपुतली का प्रदर्शन करने जाते हैं। तो ये दिया गया कठपुतली किस तरह से स्टेचू वगैरह जो बनाते हैं उसके थ्रू। कठपुतली के प्रकार, दस्ताना कठपुतली, रुमाल कठपुतली, ये सब दिया गया है। माचिस के सिल वाली गुड़ियाँ बनाने की विधि, उपकरण एवं सामग्री तथा उपेक्षित अधिगम परिणाम पर प्रकाश डालें। तो ये माचिस के से सिर वाली गुड़ियाँ कैसे बनाएंगे ये बताई गई है विधि। कौन कौन सी उपकरण या सामग्री की ज़रूरत होगी वो बताया गया है, विधि बताया गया है। अब हम आते हैं इकाई तीन पर। इकाई तीन है प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्यालय में कार्य और शिक्षा का संदर्भ। तो समाज, शिक्षा तथा विद्यालय एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हुए बच्चे और बचपन को पुनर्निर्मित करते हैं, ये विवेचना करें, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो एक तरीके से हम सब जानते हैं कि मानव और समाज एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अगर मानव नहीं रहेंगे तो समाज का निर्माण नहीं होगा, और समाज नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं बन पाएगा। तो एक दूसरे की अंतःक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल रूप से जो है मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। वह स्वभाव से ही जो जिज्ञासु होते हैं, बालक के जन्म के बाद शुरुआती चरण में वह परिवार के सदस्यों के बीच रहता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढालता है। तो जैसे जैसे वह समाज के अंदर रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर समाजीकरण होता है। उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बोलने चलने का तरीका, बड़ों का रिस्पेक्ट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें वो समाज से ही सीखता है। तो बच्चा जिस तरह से समाज में रहता है और ये सारी चीज़ें सीखता है, उसी को हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण जो है सामाजिक आशाओं व मान्यताओं के अनुरूप ढालने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के साथ आत्मीकरण करता है और समाज द्वारा एक जीवंत सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये बातें बताई गई हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः दो स्तरों पर विभाजित है, एक प्राथमिक समाजीकरण तथा एक द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण जो है माता पिता या परिवार या आस पड़ोस तथा समुदाय, जहां समाजीकरण के मुख्यतः सरल पक्ष से संबंधित होते हैं। वहीं द्वितीयक समाजीकरण जो है विद्यालय, धर्म व राज्य, इन सब के द्वारा जो है समाजीकरण किया जाता है। यानी परिवार, दोस्त, आस पड़ोस के लोगों के द्वारा जो समाजीकरण होगा माता पिता के द्वारा, उसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे। और विद्यालय या धर्म या राज्य या उसके द्वारा जो समाजीकरण होता है उसे हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं, जो कि जटिल होता है। समाजीकरण के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान, समझ, व्यवहार, भाव, आस्था, विश्वास, ये सब सारी चीज़ें डेवलप्ड होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बालक बालिकाएं मुख्यतः तीन प्रकार के प्रदर्शन करते हैं, व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, सहयोगपरक, अनुकूलक, अनुकूलन और तटस्थ भाव तथा विरोधी प्रतिक्रिया। तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने गांवों या शहरों के आर्थिक विकास के संदर्भ में एक परियोजना प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे एक परियोजना दिया गया है कि किस तरह से गांव या शहरों का आर्थिक विकास किया जा सकता है। आर्थिक विकास का मतलब है कि किस तरह से गांव को समृद्ध बनाया जाए, आर्थिक विकास के लिए यहाँ पे किस तरह से काम किया जाए, कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया जाए, वो सब बातें बताई गई हैं। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन यानी कि डेयरी फार्म, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में होने वाली औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियां किस तरह बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करती है। तो विद्यालय में जो भी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो किस तरह से बच्चों के सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है वो दिया गया है। विद्यालय में जो औपचारिक कार्य होते हैं वो है चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परीक्षण देना, अतीत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और उसे अधिक मूल्यवान मानकर आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना, हस्तांतरित करना, छात्रों में सोचने और निर्णय करने की शक्तियों का विकास करना जिससे वे अपने समझने और कार्य करने के लिए प्रयोग कर सके, छात्रों के नेतृत्व के गुणों का विकास करना जिससे वो प्रजातंत्र के अच्छे नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभा सके, छात्रों को ऐसे लाभप्रद ज्ञान देना जिससे वे संतुलित मस्तिष्क का विकास कर सके। ऐसे मस्तिष्क वाला व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों से सूझबूझ वाला और साहसी होता है, साथ ही वह अज्ञात
भविष्य के मूल्यों का निर्माण कर सकता है। तो ये सब बातें बताई गई हैं, ये सब औपचारिक कार्य है, जबकि अनौपचारिक कार्य है समाज सेवा, सामाजिक उत्सवों का आयोजन करना, सक्रिय वातावरण का निर्माण करना, खेल कूद, ये सब नॉन फॉर्मल जो है वर्क है। वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, चित्रकलाओं, प्रदर्शनियों, संगीत सम्मेलनों और नाटकों का प्रबंधन करके बालक और बालिकाओं को भावात्मक प्रशिक्षण देना, विद्यालय को सामूहिक जीवन पर प्रशिक्षण देना। ऑडियो और वीडियो सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व, उपयोगिता एवं लाभों को बताएं। तो ऑडियो वीडियो सिस्टम जो है ये एक तरीके से ICT से रिलेटेड है। इस ICT का संबंध जो है टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस आधारित व्यवस्था, श्रव्य दृश्य व्यवस्था, स्टोरेज आदि के साथ कंप्यूटर प्रणाली के साथ भी है। ऑडियो सिस्टम जो है नाम से ही अस्पष्ट है कि इसके अंदर सिर्फ सुनने वाले साधन जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब शामिल होते हैं। बच्चे, बूढ़े व पुरुष, महिलाएं सभी टेप रिकॉर्डर का मनोरंजनात्मक रूप से उपयोग करने में आनंदित महसूस करते हैं। प्रमुख शिक्षाविदों के विचार से भाषा संबंधित उच्चारण को कैसेट में लिपिबद्ध कर आवश्यकता अनुसार लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर टेप किए गए विचारों को हटाकर दूसरे विचार भी टेप किए जा सकते हैं। तो इस तरह से उसका एजुकेशनल यूज कर सकते हैं ऑडियो का। ऑडियो सिस्टम का महत्व दिया गया है। वीडियो सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, वीडियो सिस्टम के अंतर्गत जो है श्रव्य एवं दृश्य दोनों सामग्री आती है, जैसे TV है, मोबाइल फ़ोन है, वीडियो प्लेयर है, कंप्यूटर है, इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों काम करते हैं। वीडियो फिल्म देखने की प्रथा गांव में भी काफ़ी प्रचलित है, इसके लिए उनके पास एक वीडियो प्लेयर, TV, वीडियो डिस्क या CD या DVD होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। वीडियो प्लेयर एवं सहायक उपकरण के रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग सामग्री को दिखाने में प्रयुक्त होता है। वीडियो सिस्टम का लाभ क्या है वो दिया गया है, नोट कर सकते हैं आप यहाँ से। मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, मृदा प्रबंधन की मतलब कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि सॉइल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। तो सॉइल मैनेजमेंट किस तरह से मिट्टी को जो है हम जो है कटाव को रोक सकते हैं, किस तरह से जो है हम घास उगाने का काम करेंगे, किस तरह से हम बंजर भूमि का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, सिंचाई करके जो है उसमें खेती कर सकते हैं, किस तरह से उपयोग करेंगे, तो मिट्टी का या मृदा का उचित प्रबंधन कैसे किया जाएगा वो बातें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की क्या भूमिका है, यानी जो भी समुदाय की आवश्यकता है उसको पूरा करने में विद्यालय किस तरह का रोल प्ले करता है, तो ये दिया गया है। स्कूल जो है अनेक प्रकार से समाज का सहयोग प्राप्त कर सकता है। स्कूल अनेक प्रकार से सहयोग अपने यहाँ के समारोह तथा कार्यक्रमों के अवसर पर समाज से प्राप्त कर सकता है। समाज की बहुमुखी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर यह जरूरी है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए, तो ये सारी बातें बताई गई है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये भी कह सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विद्यालय को सामाजिक परिवर्तनों की दिशा प्रदान करने के लिए किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, संक्षेप में बताएं। तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा प्रदान करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ये बताया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर समय समय पर परिचर्चाएँ आयोजित की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय बालकों के सामाजिक विकास हेतु विशेष प्रयास करें। विद्यालय के प्रशासन का स्वरूप जनतांत्रिक हो, ये सब बातें की जा सकती है सामाजिक विकास के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।